हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल की हालचाल। अभी मैं जो हूँ अपनी कार में बैठा हुआ हूँ और अभी मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं जो मुझे आपको दिखाना है। तो अभी आइए सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कौन मुझे मिलता है। और मेरे इस सेगमेंट का नाम है घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही। तो घर से ही निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखते हैं कौन मिलता है आज, उससे आज बातें करेंगे और आपको उन बातों को मैं सुनाऊंगा। आजकल एक बहुत प्यारा सा गाना है, बड़ा पुराना है लेकिन मेरे जहन में आजकल है, मैं उसे गुनगुना रहा हूं। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा में निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। आपको मैं बताऊं कि अब मैं भी कहां पहुंच गया हूं, मैं बहुत सही जगह पहुंच गया हूं। एक चाची जो है अमरूद बेच रही है और आप जानते हैं इलाहाबाद का अमरूद किस कदर मशहूर है। तो आज मैं उन चाची से बात करता हूँ, देखता हूँ अमरूद वो कितने रुपए किलो बेच रही हैं, खरीदता हूँ आज मैं उनसे अमरूद। आइए अभी गाड़ी हम यहाँ पे बंद करेंगे और ये हमारा कैमरा मेरे हाथ में आ गया है और मैं निकल रहा हूँ गाड़ी से बाहर। आइए चाची से मुलाकात करते हैं, देखते हैं वो क्या। चाची क्या हाल चाल है, कैसे बेच रही अमरूद? 20 रुपए किलो। अरे वाह, तो ये आपकी बाग का है, आपकी बाग का है, खरीद कर बाग खरीदे हैं आप? कहाँ है बाग? दूर है क्या? अरे पास में होती तो आपके बाग भी हम चलते। जी 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 हाँ, टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अमरूद बेच रही हैं इतना अच्छा अच्छा, सब लोग को थोड़ी नसीब है इलाहाबादी अमरूद। आप जानते हैं कितना टेस्टी होता है ये, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं दुबई में पाकिस्तान में दूर दूर बैठे हैं, वो तो सिर्फ वीडियो देख के खुश हो जाए कि बाहर का अमरूद है ये, भाई इलाहाबाद का अमरूद है। तो ये हमने कहा वीडियो बना लेते हैं। तो आपने जो बाग ख़रीदा हुआ है तो कितने साल से आप बाग जो है वो मतलब अमरूद की बाग आप देख रेख कर रही हैं? हमारे लड़का रहा ख़त्म हो गया है, तो अब हम कहा थी वही लाई, चार छह पेड़ लाई गई थी, ढेर नहीं। हाँ हाँ आप कौन से दिखाई नहीं देता क्या? कम दिखता है बेटवा जब से हमारे। हाँ हाँ, कितने कितने साल के थे आपके आपके बेटे? अरे दो लड़का तो बाप रहा। अच्छा 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 अच्छा, जब से खत्म हो गया बेटा रोवर रोवर हमारा हो गया। अरे चाची आप जो है ना ज़्यादा फिक्र ना करिए, देखिए भगवान जो है ना जो कुछ भी करता है बहुत सोच समझ के करता है, आप इसे भगवान की मर्जी अल्लाह की मर्जी समझिए और ज्यादा रोया मत करिए। बेटवा आंसू हमार नहीं थामा कर। अरे चाची लेकिन आप ये बताइए इस पूरी दुनिया को कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं ना, भगवान चलाते हैं कि नहीं चलाते? ये हम आपके समझ लिए बेटे जैसे हैं। आप रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप दिल नहीं छोटा करिए, दिल नहीं छोटा करिए। हम जब भी इधर से गुजरेंगे ना हम आपसे हर बार मिलेंगे, जब भी हम इधर से गुजरेंगे हम आपसे हर बार मिलेंगे, ठीक है? अभी आप हमको जो है ना ये अमरूद जो हमको 5 किलो दीजिए। नहीं ना भाई, आप 5 किलो हमको अमरूद दीजिए, हम आपसे 1 किलो अमरूद लेने आए थे लेकिन हम 5 किलो लेके जाएंगे। और रोइए मत, रोइए मत चाची, रोइए मत, रोइए मत, एकदम नहीं रोइए, एकदम नहीं रोइए, एकदम दिल छोटा नहीं करिए, आप दिल छोटा नहीं करिए, आप दिल छोटा नहीं करिए। देखिए भगवान जो कुछ भी करते हैं ना तो भगवान ने अगर ये कदम उठाया है, उन्होंने ये किया है कुछ सोच समझ के किया होगा, समझिए आप। तो टेंशन नहीं लीजिए आप हमको जो है ना बहुत सारा अमरूद दीजिए, कम से कम 5 किलो अमरूद हमको दीजिए आप, ठीक है? देखिए मैं अभी चाची से मिला हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो गया है, उनका जवान बेटा जिसके 2 बच्चे थे वो ख़त्म हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप समझ लीजिए उनकी उस बेटे की याद में ये माँ परेशान है, कहती हैं कि किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता उनका। चाची ये देखिए
ये जो हम अभी आप आपके साथ जो कि वीडियो बना रहे हैं ना, आप ये देखिए, ये देखिए, देखिए आप, हम आपके साथ में है ना। जब हम यहाँ से गुजरेंगे ना, आपसे मिल करके जाएंगे। आपका आपकी बात कहाँ है, कौन से गांव में है? गांव में नहीं ना, हम खेत में। कहाँ है, कौन नाम बताइए आप जगह का। अरे नाम खेत के नाम नहीं ना है। हाँ, मतलब आन के आए। हाँ हाँ, ठीक है। अब हम ओका नहीं जान कि आप किराए पे लिए हैं बात को ना। हाँ, हाँ, तो आप जो जो जिस जगह पे है, कौन सी जगह है वो? अरे बहुत दूरी, इसी इसी के आगे है, इसी के आगे है, बहुत मनौरी साइड में। मनौरी। चलिए ठीक है, हम आपसे मिलने आएंगे। और आप ये देखिए, अभी आप आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, समझ लीजिए आप। हाँ। क्या कहेंगे उनसे आप? हमारा काम नहीं करा। कोई बात नहीं। ये हादसा जो आप बता रही है, ये कब हुआ है, कई साल हो गया? अरे 2 साल। 2 साल हो गया। तो जो दो बच्चे छोटे छोटे हैं वो कहाँ हैं? अरे दो बच्चे अपने ननिया और काल गए हैं, त्योहार कर। बहू आपकी आपके साथ में है? बहू है सीढ़ी पर से, वो भाई बत के मारा गिर गए, हाथ गोर से चला ही नहीं पावत। अच्छा अच्छा, हाथ उनका टूटा हुआ है, गोर से नहीं चल पाते, हाथ से नहीं चल पाते। अब वही सोच में तो हम... आपके परिवार में और कौन कौन है? अरे परिवार में हमारे नहीं है, भाई है। बेटा आपका, एक ही बेटे थे? हाँ। और बेटी वगैरह और कोई बच्चे नहीं है? एक बेटिया है अपने घर है। अच्छा, एक बेटी है, वो अपने ससुराल में रहती है। चलिए आप फिक्र मत करिए, सब भगवान ने अगर ये परेशानियाँ दी है ना, तो भगवान ही इस परेशानियों को हल भी करेगा, उसका रास्ता भी भगवान ही दिखाएगा। आप चलिए अभी अमरूद तोड़िए, आप एकदम थोड़ा सा आंसू पोछिए, आप एकदम परेशान मत होइए, ठीक है? आप मुझे 5 किलो अमरूद दीजिए। आप तोलिए, हम गाड़ी घुमा लेंगे ना, गाड़ी में रख लेंगे। देखिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिल जाती हैं कि मन बड़ा उदास हो जाता है। अभी चाची ने बहुत तकलीफ़ में है, बहुत गम में है। बेटा उनका, जवान बेटा वो उनका ख़त्म हो गया। बहू जो है सीढ़ी से गिर गई, उसका पैर टूट गया उनका, उनके हाथ टूट गया है, चल नहीं पा रही है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जब भी ऐसे किसी राह से आप गुजरें और कोई ऐसा कोई भी फल अमरूद है कुछ भी बेचते हुए मिल जाएँ, आप ज़रूर ख़रीदें। और उन्हें आप 2 पैसे ज़्यादा दीजिए, ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, उनकी थोड़ी सहायता हो जाए। अभी मैं दियामांशो का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करूँगा। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं जिस चाची से अमरूद ख़रीदने जा रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा भी हुआ है।
ठीक है, 100 रुपये आपके अमरूद के और 100 रुपये आपको मिले। आप खड़ी होइए, खड़ी होइए मेरे साथ एक मिनट के लिए, आइए ठीक है, एकदम परेशान नहीं होइए, भगवान सब अच्छा है, ठीक है, एकदम परेशान नहीं होइए, मैं इधर से आऊँगा तो आपसे मिल गए, ठीक है, रोइए नहीं लेकिन, ठीक, हम इधर आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर, नहीं। आप एकदम परेशान न होइए चाची, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक, चलिए चलिए चाची, ठीक है जी, ठीक है चाची। जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैं जिस चाची के पास अमरूद खरीदने के लिए मैं रुकने जा रहा हूँ, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा मुसीबतों का ऐसा पहाड़ उनकी जिंदगी में आया हुआ है, इस बात की मुझे ज़रा भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि चलते चलते इधर से मैं गुजरा तो मेरी नज़र पड़ी, मैं तकरीबन 1 किलोमीटर आगे निकल गया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चाची से बात की जाए, उनसे अमरूद लिया जाए, तो मैं यू टर्न लेकर के दूर से आया और मैंने कहा कि चलो बात करते हैं। इसलिए देखिए, मैंने जब शो स्टार्ट किया तो मैं जो है गाना गा रहा था क्योंकि मैं खुशी वाले मूड में था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जो गाना भी मैंने चुना कि जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जाए, हम खिजा में यानी कि पतझड़ में जो है हम खिजा में निबाह कर लेंगे, हम पतझड़ में जो है जिंदगी गुजार लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जाए, नुसरत फतेह अली खान साहब की जो नज्म है, उस नज्म में जो इंट्रो जो शेर पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं। तो चलिए दियमान शो के इस क्या कहते हैं थोड़े से सैड एपिसोड था ये, हालांकि चाची से मुझे बड़ा वैसा लगा, लेकिन चाची को मैंने कोशिश तो मैंने की कि उनका थोड़ा सा गम मैं हल्का कर पाऊँ। तो दियमान शो के ऐसे बहुत सारे एपिसोड मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है दियमान शो का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल का जो आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और आप लोग देखते रहिए, बस ऐसे ही दुआएं देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।